अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मुकदम है आपका कश्मीर 24 में और मैं हूँ आपका मेज़बान लतीफ़ बशीर। जे के बोस ने आज अलग सुबह रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जिसमें 80% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। इन 80% तलबा में ज़्यादा रोल जो है वो लड़कियों का रहा है। पहले अगर हम बात करें 10वीं जमात की, उसमें 50% रिलैक्सेशन मिलने के बावजूद भी जो तलबा से तवक्को थी उस तरह का रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। कई एक स्कूल है जिनमें तकरीबन 30, 20 या 40 तलबा थे जिन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन एक तलबा भी नहीं उसमें कामयाबी हासिल नहीं की है। तो इस तरह की तवक्को थी कि जो 12वीं जमात का रिज़ल्ट है कि इसमें भी इसी तरह का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन तलबा ने 50% रिलैक्सेशन मिलने का भरपूर फ़ायदा उठाया और 80% तलबा ने इस 12वीं जमात के कक्षा में कामयाबी हासिल की है। को नाज़रीन बता दें, कोविड-19 और 370 और 35A की मनसूखी के बाद जिस तरह का नुकसान तलबा को उठाना पड़ा उससे शायद ये तवक्को रखी जाती कि इस तरह का जो रिज़ल्ट आज हमारे सामने आया इससे तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। आज हम ज़िला अनंतनाग के डूरू इलाके में है जहां पर एक तलबा ने कॉमर्स स्ट्रीम में कश्मीर वैली में 4th पोजीशन हासिल की है। वही अगर जनूबी कश्मीर की बात करें तो जनूबी कश्मीर में इन्होंने कॉमर्स में पहली पोजीशन हासिल की है। और शगुफ्ता अशरफ इस वक्त हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह का जो सफ़र रहा एजुकेशन का, इसके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शगुफ्ता अशरफ है, मैं गवर्नमेंट डूरू हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी और मैंने इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत हार्ड वर्क किया एंड फाइनली माय सक्सेस पेड़ा। मैं हायर सेकेंडरी डूरू शाहबाद में पढ़ती हूँ और मैंने 10th स्कूलिंग सर से मेमोरियल एजुकेशन से की है और मेरे 10th में मार्क्स 493 है। फिर मैंने आफ्टर दैट पास इन द 10th मैंने कॉमर्स चूज़ किया बिकॉज ये कुछ अलग सब्जेक्ट था, तो मैं आज अपनी कामयाबी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एम है सीए, मैं सीए करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कॉमर्स या अलग स्ट्रीम में यही चूज़। मैं विसिम सर के पास पढ़ती हूँ, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर डूरू शाहबाद में ही है और ये आज उन्हीं की मेहनत का रंग है। कोविड-19 में सब ट्यूशन सेंटर्स बंद थे लेकिन हमारे सर ने घर में हमें ट्यूशन पढ़ाया, सो ऑल क्रेडिट गोज टू विसिम सर। बहुत सी मुश्किल आती थी क्योंकि इंटरनेट बंद था और फिर जब ऑन हुआ तो 2G पे, क्योंकि उस पर कुछ निकलता ही नहीं था। फिर कुछ खुद नोट्स बुक्स एक्स्ट्रा टीचर्स ने भी पढ़ाया, तो हार्डवर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस, हमें हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। इसलिए मेरे मैसेज हर किसी स्टूडेंट्स के लिए कि हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो ये थी शगुफ्ता अशरफ जिन्होंने 12वीं जमात में हाल ही में कामयाबी हासिल की, 488 नंबर से इन्होंने कामयाबी हासिल की है। इनकी मैसेज दीगर जो तलबा है उनके लिए यही है कि मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ इंसान हासिल नहीं कर सकता है। कश्मीर 24 के लिए अनंतनाग डूरू से लतीफ़ बशीर।